हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन कमीशन आगे MRTP को खत्म कर दिया। क्या हुआ इस समय बताएंगे आगे। ये फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म है। डायरेक्ट टैक्स को तो उधर था। अच्छा उधर वाला, वो तो उधर था, इसमें थोड़ी है, ये नहीं है। ये 2004 में आया है सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें इकोनॉमी है ना, पूरा इकोनॉमी को रिफॉर्म करना है, तो इंडस्ट्री पर तो था ही, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के रूप में आया था। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म, सोशल सेक्टर रिफॉर्म, जैसे हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब हो गया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में आगे आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आ गया 2011 में, 91 से आगे बढ़ते हैं। 20 साल बाद देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ग्रोथ जो है, जिस तरह से चाइना या अदर कंट्रीज में हुआ, उस तरह का ग्रोथ नहीं हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी में योगदान 25% करने के लिए क्या किया कि नया मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाया, तो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग जोन भी, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग जोन इसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देख रहे हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्लस्टर अप्रोच, ये सब ला रहे हैं, इसी में ला रहे हैं इंडस्ट्रियल। क्लस्टर अप्रोच कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स और जो रीजन था वो तो पहले से चला रहा था, इसी को हमने आगे बढ़ाया। तो ये जो रिफॉर्म है ये कहाँ पर है, ये इंडस्ट्रियल जो रीजन थे उसमें रिफॉर्म किया गया। तो इंडस्ट्रियल रीजन को इंडस्ट्रियल क्लस्टर का रूप दिया गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रीजन को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का अप्रोच है, ठीक है, अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रीज है कॉरिडोर, जैसे कहते हैं ना
फ्राइट कॉरिडोर कल चर्चा किया, तो फ्राइट कॉरिडोर में अमृतसर से लेकर के जो अपना कलकत्ता तक है पटरी बिछी हुई है, मालगाड़ी जा रही है, तो मालगाड़ी वाला जो परिवहन का क्षेत्र है उसके साथ साथ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है। तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने से क्या होगा कि चूंकि वो परिवहन के क्षेत्र है वहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा कोई चीज़, तो तुरंत उसको हम लोग कैरी करके फिर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, वहाँ के लोकल क्षेत्रों को के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, स्थानीय कच्चा माल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, जो पहले इंडस्ट्री हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन में ही लगाते थे, तो इंडस्ट्रियल रीजन को आपस में जोड़ देगा ये कॉरिडोर एक तरह से समझो। तो ये क्लस्टर जो है क्लस्टर को कनेक्ट करने का प्रयास इसमें एक तरह से किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल रीजन है वो क्लस्टर के रूप में है, बताएंगे कैसे होगा, और ये जो कॉरिडोर है ये सबको कनेक्ट करेगा। तो कॉरिडोर बनाए गए हैं 5 जगह, जहाँ जहाँ पोर्ट का इंटरनेशनल पोर्ट है या रेलवे लाइन बेटर विकसित है, सब जगह को कनेक्ट कर दिया। जैसे मुंबई है, मुंबई को अहमदाबाद से बेंगलुरु से जोड़ करके कॉरिडोर बना दिया, बेंगलुरु को चेन्नई से जोड़ करके कॉरिडोर बना दिया। तो कई जगह अपने इंडिया में है वो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर कोई ना कोई क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो पहले से डेवलप कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ही कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी जहाँ डेवलप्ड है का मतलब है दिस अप्रोच इज टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज वेयर देर इज ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एनी टाइप ऑफ कनेक्टिविटीज। तो वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करके, जो यूरोप में आप देख रहे हो इस तरह के प्रोसेस चल रहे हैं जर्मनी वगैरह में, उसी अप्रोच को इधर अपनाते हुए कॉरिडोर को लाया गया है। और क्लस्टर जो हो गया, क्लस्टर का मतलब है कि इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियल रीजन में, हमने बताया कि इंडस्ट्रियल रीजन में है जिसमें एक या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेंट्रल इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और एंसिलरी इंडस्ट्रीज मिल करके एक रीजन बना दिया। अब उसके अंदर डेवलप कैसे करना है, तो कहा कि इंडस्ट्रियल रीजन जो इंडस्ट्री के हब है, जहाँ इंडस्ट्रियल इनर्सिया है, उसी में उसी को और भी आकर्षित बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में डेवलप करो। और क्लस्टर का मतलब कैसा, एक लिटरली मीनिंग आ रहा होगा कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड, क्लस्टर हुआ ना, तो अपने समझो कि उत्पादन हो रहा है लेकिन अगर उसका सप्लाई सही ढंग से नहीं हो रहा है उस क्षेत्र में, तो उत्पादन उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें देगा सरकार के द्वारा, जैसे मान लो कि जमीन खरीद करके दे रही है या एक्विजिशन पॉलिसी बेटर बना करके दे रही है ना, कि भाई जमीन वहाँ उपलब्ध है आप वहाँ जाके लगाइए। तो ये सब जो रिफॉर्म्स हैं वो क्लस्टर के साथ निर्धारित हैं या निहित हैं। तो क्लस्टर एक डेवलपमेंट का अप्रोच है जिसमें उत्पादन से लेकर के बाजार की स्थिति तक उत्पादों को या सेवा को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, जिसमें आपको जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल उपलब्ध करा रहा है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, एनर्जी आप कह सकते हो, कंजर्वेशन, ये सब उसमें क्लस्टर अप्रोच में है। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गए, ये आपको अलग से पूछा जा सकता है व्हाट इज इंडस्ट्रियल क्लस्टर अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, तो अलग से हम लोग उसकी चर्चा करेंगे वहाँ। तो ये आ गया। अब देखो इसी में आगे जो डेवलपमेंट है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, ठीक है, यही है वर्ल्ड के लेवल पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है उसको फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर पॉइंट जीरो, तो स्वाभाविक है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, वो होना चाहिए। तो 1 डिग्री या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, थ्री डिग्री,
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 डिग्री या 4.0। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लोग घर से बाहर निकले, ठीक है, यानी समूह में काम करने के लिए, ठीक है, कारखाना पद्धति को अपनाया, तो उसको कहा फर्स्ट जनरेशन। वर्ल्ड लेवल पे जहाँ भी हुआ, मशीन उसमें नहीं है, मशीन जब आएगा तो सेकेंड माना जाएगा मशीन का उपयोग। मशीन अभी नहीं है, हाथ से बन रहे हैं, बुनकर, जैसे अपने यहाँ भी होता था ना पहले, हाथ से, हाथ मतलब हैंड, मैन के का रोल था उसमें, हैंड का रोल था, यहाँ पर मशीन आ गया। ये यही माना जाएगा ब्रिटेन वाला सेकेंड डिग्री, मशीन को लाया, मानव को रिप्लेस कर दिया मशीन से, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडिया में भी मशीन बेस्ड आया, इंडिया में मशीन बेस्ड मेनली रिवोल्यूशन जो आया से इंडिपेंडेंस के बाद, सेकेंड जो आपको 5 ईयर प्लान है उसमें आता है। और 3 डिग्री जो है यहाँ पर आप ये समझो कि कंप्यूटर का उपयोग, उसको मैनेज करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर्विसेज उसको मैनेज करने के लिए यूज ऑफ कंप्यूटर। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाँ तो ये भी हो गया है, ये वाला है ना, इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, सब कनेक्ट हो गया सारा, तो मैरिज अच्छा हो गया। अब इधर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल को मशीन के द्वारा रिप्लेस हो गया, इंडिविजुअल जो है मशीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस हो रहा है, फिर से हम लोग रिविजिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मानव को फिर से स्थान देना, जैसे यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या है, मानव उसमें मानव के द्वारा ही हो रहा है ना, मानव का दिमाग, मानव की एक्टिविटी को स्थान दे रहा है, ठीक है, तो अब फिर से ह्यूमन बीइंग को स्थान दे रहा है, मतलब तकनीकी के साथ साथ ह्यूमन बीइंग को भी स्थान मिलना, मतलब यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक पार्ट हो गया, रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे, एनर्जी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगे जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि एक ओवरऑल व्यू हमने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्या आ रहा है, जैसे ड्रोन का उपयोग कर रहे हो, रोबोट का, रोबोटिक्स का उपयोग कर रहे हो हर एक जगह, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, तो चाहे एग्रीकल्चर हो, यहाँ पर सारा एक साथ जुड़ जाएगा, इसमें सिर्फ इंडस्ट्री नहीं रहेगा बल्कि हर एक सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और बेटर प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, प्रोसेस्ड जो बेटर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को डेवलप कराया जाएगा, सप्लाई चेन बेटर मैनेजमेंट है और भी इफिशियंट उसको बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या है, फोर्थ डिग्री में है, फोर्थ डिग्री में है, इंडिया इसके लिए बेटर एक प्लेटफॉर्म बना करके सरकार तैयार है और इसके लिए पॉलिसी लाने की ओर है, इसी को हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा हमने देखा कि इसको अपना लिया, ठीक है, अब इधर की तरफ जा रहे हैं, यूज तो हो रहा है लेकिन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं ना, रिवॉल्यूशन क्रांति के रूप में आ जाना, वो अभी बाकी है, जैसे मोबाइल का क्रांति हो गया, सबके पास आ गया, तो वो सारा एकदम से नॉर्मल वे में यूज होने लगेगा, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस हो,
सोशल सेक्टर हो, सब जगह एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, हेल्थ हो, सब जगह यूज़ होगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि बेटर से बेटर प्रोडक्ट, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाले उत्पाद को बनाना और उसका सप्लाई, उसका मार्केटिंग, ये सब सुनिश्चित होगा उसमें। क्या कहाँ आया है? नहीं, कहाँ आया है इस बार? नहीं, इस बार नहीं, पिछले ना मेंस में देखा।